कार्य की भूमिका पाएंगे आप। व्यथित दिल हुआ है विकल वेदना से, असुर सिंधु में सैलाब आ ही गया, देवता दिन दिवाकर कलंकित हुए, कामना अपनी शैतान पा ही गया, गर्त में गौरव गुरुवर मिलाने लगे, कफन कब्र का आज बिकने लगा, माँ मही वेदना से बिलखने लगी, मानो मानो कयर मान लूटने लगा। कव्वाली के नमूना बाजन हमारे मास्टर बजावत हवन। अगर दिलवर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए, कवि लिखे हैं क्या? लिखे हैं कि परी मझधार में किस्ती कभी तूफान आ जाए, अरे न जाने किसी घड़ी में मौत का पैगाम आ जाए, भविष्य शिष्य का गुरुवर में छिपा रहता है, अगर आदर्श अपना गुरुवर ही डुबाएंगे, वतन का सपना सारा धूल में मिलाएंगे, विरास सहारनपुर में देवानंद गांव रहा, प्रकाश चंद का लड़का एक मंगे राम रहा, सौतेली माता मंगे राम को सताती थी, मारती तानय खाना भी ना खिलाती थी, बम्बई भागा जबकि घर की बुरी हालात हुई, देन में जा रहे सन्यासी से मुलाकात हुई, बात के पहले समझने ते गाना भी समझने में आसानी हुई। सहारनपुर जिला में देवानंद गांव, प्रकाश चंद का लड़का मंगेराम आपन दूसर दुल्हिन जब ले लेलन, तो मंगेराम का सौतेली मतारी जो मिलल, हमेशा बात बात में ताना मारल कर, खाना भी मंगेराम के न दे, मजबूर होकर के मतारी के हालात से बेचारा मंगेराम एक दिन कमाई करने के लिए बम्बई भाग चला। ट्रेन के अंदर एक सन्यासी से एक साधु से मुलाकात होती है। अब यहीं से कहानी मोल लहले बा तर्ज एकठे बा नमूना उहे बा का अरे राम का भजनिया, राम का भजनिया अजब ले जिया तब ले सिया, राम का भजनिया अजब ले जिया तब ले सिया, राम का भजनिया बंबई जा रहा है। रास्ते में उसी ट्रेन के डिब्बे में एक साधु बैठा था, बात बात में परिचय होने लगी, हाल चाल होने लगी, बताया वो साधु उस बच्चे मंगेराम से क्या बताता है कि अरे कोई ना ही अपना है बेटा, कोई ना ही अपना, हम माया का जहान बेटा,
बेटा अपने सौतेली माँ की आदतों से, सौतेली माँ के कर्मों से तुम तंग आकर भाग रहे हो बंबई, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो। वो साधु सन्यासी जो है समझाने लगा मंगेराम को डिब्बे में, ट्रेन के डिब्बे में, रास्ते में क्या समझाया कि माई बाबू छुट्टी जय है, छुट्टी है लुगाई, ए माई बाबू छुट्टी जय है। संगी साथी भाय भौ जाई, आर होई जाई घरवा तू, आर बेटा सपना हो माया का जहां। सन्यासी और बताया मंगेराम से क्या कि छूटे ना छोड़वले बेटा माया का रसरिया, स्वार्थ के गरावा में पड़ल बा फसरिया, अरे चाहे जो भलाई सदा, अरे चाहे जो भलाई सदा, सदगुरु जपना हो अब माया का जहान बेटा कोई नहीं। बतिया जनबा मंगेराम के शरीर में घर कह गई, उकर दिमाग अब बेचैन हो गल, कौने बात के लिए तर्ज ठेबा का अर्जबा कि अरे कवन कल है जावा में, अरे करेलू पढ़ाई हो चलेलू बिना बोढ़नी के, अरे हम मर्द हो के कितना लजाई हो चलेलू बिना बोढ़नी के, राम बाबा के बतिया सुन करके क्या कि अरे बोला मंगे राम झट, अरे बात भी लखाई हो चेताई देला हमरा के, अरे बाबा ले बाया अपन चेलावा बनाई हो चेताई देला हमरा के, साधु लेकर के अपने आश्रम पहुंचा। कहा कि संग वाली आके बाबा अमृतसर अइले, अब मंगेराम आके गुरु मेल सिंह भइले, अरे जीवन की अनहरिया में, अरे जीवन की अनहरिया में रोशनी देखाई हो चेताई देला हमरा के, अरे भजे गुरु के चरण चितलाई हो चेताई देला हमरा के। सदगुरु की सेवा में लिपट गया आश्रम पर अमृतसर। धीरे धीरे उकर मन बैराग में लगल और कुछ दिन आगे चलने के बाद वही गुरु मेल सिंह के नाम से एक सन्यासी वो भी बन गया लड़का मंगेराम। एक दिन का घटना बात तर्ज बा, सदगुरु के चरण में ध्यान लगा करके सन्यासी बन गया, गुरु मेल सिंह के नाम से हो गया। तो एक तर्ज बा एक पति और बढ़ा दे मास्टर कि अरे मैं प्यार कि अब मैं प्यार करूं भरतार भरतार मनवाई दे रे चोली रे के नाम से बन करके अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। किस धर्म को अपनाया
किलिया सिख धर्म अपना घूम घूम कर अलख जगाते थे। पटना में रात हुई बलदेव सिंह से बात हुई रे बलदेव सिंह से बात हुई बलदेव सिंह से बात हुई फिर अमृत सर गए अरे घूम घूम कर अलख जगाते थे। धर्म का अनुपालन करते हुए घूम घूम कर अलग जगाते हुए आगे बढ़ते हैं। पटना पहुंचे, पटना में रात हुई, बलदेव सिंह से बात होती है, मुलाकात होती है। बलदेव सिंह से जब बात होती है फिर अमृतसर आ गए, लेकिन बलदेव सिंह एक बात कहते हैं, क्या कि बाबा आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, आपका ये जो प्रवचन था, आपका जो विचार था अच्छा लगा, एक काम कीजिए, क्या कि मेरे घर बाबा आना है, मेरे घर आपको आना पड़ेगा, किस लिए जरूरत है भाई साहब। कहने लगे बाबू बलदेव सिंह उनसे क्या कहते हैं कि मेरे घर बाबा आना है, मेरे घर बाबा आना है, मेरे घर बाबा आना है। अरे बिटिया को ज्ञान सिखाना है, बिटिया को साधु जोन बा अब पहुंच गए बलदेव सिंह के बिटिया के ज्ञान सिखावे बदे उनके घरे। आज जब पहुंच गए तो कभी यहाँ एक फेरी देले बाटन, क्या कि अरे सन्यासी फिर से भोगी हो गया, कि अरे सन्यासी फिर से भोगी हो गया, अरे दीपक बुझा दिया बन गया निशाचर योगी, अरे हो योगी, अरे हो योगी, अरे हो योगी। सिंह साधु जब देखलन उनके बिटिया का सूरत, क्या मोहनी सूरत थी, आज जब देखलन तब हल्का कि मन मोहनी मूरत दिल में बसी, कि मन मोहनी मूरत दिल में बसी, कुल ज्ञान का बात भुला गईली, बदरा बरस मनवा तरस बदरी में चुनरिया रंगाए गई, के विदिया भगली निदिया मनवा में प्रीतिया समाय गई, दूसरे सिखले अपने भूलले जब ज्ञान कठरिया हेराय गई, हो जब ज्ञान चार दिन उसके घर आया मेरे दोस्तों सरोज बिटिया का, अमरजीत बिटिया का बात सुन करके, अमरजीत बिटिया का सुंदरता देख करके गुरमेल सिंह मोहित होने लगा और धीरे धीरे अपने दिमाग में उसे बैठा लिया, उसकी सुंदरता को अपने मन के अंदर बैठा लिया। एक दिन का घटना बा, अकेल कोठरी में ज्ञान सिखाते में अपने दिल की बात जो है अमरजीत लड़की से कहले बाटन, और जब कहले बाटन गुरमेल सिंह तो लड़की रो करके एक बात कहला, कवन चीज तनकन और बढ़ा दा मास्टर, बिटिया अमरा गीता
देख बखरिया में अरे काहे बन गईला बाबा काहे बन गईला नीरा दैया ए बाबा जी सवा सया जा बेटी रूपी गैया के कहे होई गैला कसैया ए बाबा जी। मेरे दोस्तों उस कोठरी में उसके साथ अपनी हवस की प्यास बुझाना चाहता है गुरमेल सिंह अमरजीत। वह लड़की बिटिया रोकर कहती है कि बाबा गुरु और शिष्य के रिश्ता बाप और बेटा बाप और बेटी के होला तो आज ही का करे जात हुआ। लेकिन बापू का सपना टूटी माई का करमा फूटी अजरी उनकर सजला बगनिया ए बाबा जी। दुनिया में पावन होले गुरु का चरनिया हो अज्ञानी होके करेला नादनिया ए बाबा जी। इतना तक वो लड़की अमरजीत कहती है लेकिन गुरमेल सिंह किया क्या। गुरमेल सिंह ललकार उठा मैं अपना तुम्हें बनाऊंगा तेरे प्यार के खातिर धरती को क्या अंबर से टकराऊंगा। झट अमरजीत फपकार उठी मैं इज्जत नहीं गवाऊंगी तेरे मंसूबे पूरे हो इससे पहले मर जाऊंगी। लड़की एक बात है निर्णय ले ले बाका अमरजीत लड़की और कैले का तनि भाव सुने। अरे लगा बात का गुरु मेल को चाटा कांटा चुभेला ई बतिया गुरमेल सिंह के लगलवा कवन बा जो लड़की बड़ी मार के बात कहले बा कि झट अमरजीत फुपकार उठी मैं इज्जत नहीं गवाऊंगी तेरे मंसूबे पूरे हो इससे पहले मर जाऊंगी। ए बतिया का चाटा गुरमेल सिंह के लगल गुरुजी के तबहल का। अरे लगा बात का गुरु मेल को चाटा कांटा चुभेला अरे उठा कटारी कर में कामी डांटा कांटा चुभेला अपनाऊंगा। प्यार नहीं व्यापार है होता तुझको मैं अपनाऊंगा अगर न मानोगी कहना तो जन्नत में पहुंचाऊंगा। अरे सहन न होगा तेरा घर से नाता कांटा चुभेला यही फैसला अंतिम तुझे सुनाता कांटा चुभेला मैं भी एक बात कहता हूं अमरजीत अगर तुझे अपना नहीं बनाऊंगा तो इस दुनिया में तुझे रहने भी नहीं दूंगा। इतना निर्णय जब लड़की अमरजीत सुन ले बा गुरमेल सिंह के तो देखें होत कबा कभी यहां एक बात आल्हा में लिख ले उनका। अरे वासना का भूत जब अरे वासना का भूत वासावार जब हो लाए भैया बढ़ती है तो मानो आत्मज्ञान खो जाता है।
और जिंदा होकर के भी मानव मुर्दा समान हो जाता है। आज गुरमेल सिंह किया क्या तनी देखें कि अरे क्रोधावा में जर गुरु मेल के बदलिया भैया क्रोधावा में जर में कटारी हाथ में उठा लिया और गुरमेल सिंह के हाथ में जब कटारी देखती है अमरजीत वो लड़की अबला गनगन गनगन कांपा लगन लेकिन नीच कमीना दया नहीं किया उसके सीने में कटारी चुभा देता है। और जब कटारी चुभा दिया तो हुआ क्या कि अरे अमर के मार झट कि अरे अमर के मार झट सोचे अपने मनवाए भैया अमरजीत इस दुनिया में नहीं तो मैं रह करके क्या करूंगी सारी सोच लिया वो कि जब अमरजीत इस दुनिया में नहीं रही तो ये दुनिया में रह करके मैं क्या करूंगा यही सोच करके वही कटारी अपने सीने में मार कर गुरमेल सिंह भी मर जाता है। कभी के एक बात लिखे के परल का रोम बलदेव सिंह सीना फारी बिटिया के मरण पर रो रहल बाटन बलदेव सिंह बाबू का रोम बलदेव सीना फारी अरे बिटिया गईलू हमें बिसारी अरे आंसू बरी से ला नया नवारो वैली जननी जूटे गांव के नरनारी जाने हैं सारी बात जूटे गांव के नरनारी जाने हैं सारी बात आंख निकाले पाखंडी का मारे घूसा लात आ पापी तज दिहल पर नवारो वैली जनन कंठी माला टीका दाढ़ी पापी लिए बढ़ाई आज के इस ढोंगवादी समाज पर कवि जी एक लाइन बड़ा व्यंग भाव दिए हैं क्या कि कंठी माला टीका दाढ़ी पापी लिए बढ़ाई सजग है रहना इन यारे अरे सजग है रहना इनसे यारो जीवन सफल हो जाई आ देखा खोली के नया नवारो वैली जनन जब अंधा ढोंगवाद में आज समाज जब हो गई ना जब अंधा
अरे संभल के रहना यारो, अरे रिवाज ये है गंदा, इत जाने ला जहन मारो वैली जननी। गुरु गणेश गुरु रामलाल लास्ट में कवि जी जोन बा अपने गुरु घराने का परिचय देते हुए कि आज के समाज को करना क्या चाहिए। इस समाज के ऊपर कवि लिखे हैं कि आज हर समस्या को अपने सूझबूझ से और काम लेना है, इसीलिए कवि को अपना परिचय देना पड़ा क्या कि गुरु गणेश गुरु रामलाल चंद्रिका स्वर्ग के वासी। तो गुरु गणेश गुरु रामलाल चंद्रिका स्वर्ग के वासी, रामदेव बिन बिहारे छाती छाई जगत उदासी। अरे सन्यासी फिर से भोगी हो गया कि अरे सन्यासी फिर से भोगी हो गया, अरे बेचन बेचन अरे हो मोरे राम, अरे बेचन राम निवास हरि दर्शक अखिया प्यासी हो। सन्यासी फिर से भोगी हो गया, बेचन राम निवास हरि दर्शक निवास। हर दर्द की अखिया प्यासी, सन्यासी फिर से भोगी हो गया।